आइए दोस्तों, आज चलते हैं दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से डलहौजी और डलहौजी से खजियार। दिल्ली से अमृतसर की दूरी 450 किलोमीटर है। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आते हैं तो आप 7.5 घंटे में आसानी से पहुंच जाएंगे। दिल्ली से शताब्दी ट्रेन लेके भी आप आराम से आ सकते हैं। आइए हरमंदिर साहिब के दर्शन करते हैं। आइए दोस्तों, अब चलते हैं डलहौजी। अमृतसर से पठानकोट होते हुए डलहौजी की तरफ एक रास्ता जाता है, जहां से आपको पहाड़ों का बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है। ये देखिए, अमृतसर से डलहौजी की दूरी अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर है। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से जाते हैं तो आप तकरीबन 4.5 घंटे में आसानी से पहुंच जाएं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं हर छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हिमाचल प्रदेश का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन डलहौजी। किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, पहाड़ों में एक रहस्य है, पहाड़ों में है कहानी, नजदीक से देखा नहीं पहाड़ तो बेकार है जवानी। आइए दोस्तों, आज एक्सप्लोर करते हैं डलहौजी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी, ग्रैंड व्यू होटल। इस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग में ही किड्स प्ले एरिया है। ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। इसके जस्ट पीछे ही इनका एक रिसेप्शन एरिया है, वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी वेल डिजाइंड रिसेप्शन एरिया। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैं हर छोटी इंफॉर्मेशन इस होटल के बारे में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर मैं दिल्ली से बात करूं तो ये प्रॉपर्टी लगभग 530 किलोमीटर है और तकरीबन 10 से 11 घंटे आपको लग जाते हैं अगर आप वाया रोड आना चाहते हैं। आइए देखते हैं ग्रैंड व्यू होटल को ग्रैंड व्यू क्यों कहा जाता है। इस प्रॉपर्टी से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है हिमालयन रेंज का, बर्फीली पहाड़ियां, कितना ही ब्यूटीफुल व्यू है। ये एक परफेक्ट लोकेशन है एक वेकेशन के लिए, एक फैमिली वेकेशन के लिए। अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी को पीछे छोड़कर इस प्रॉपर्टी में आप अपने माइंड को बहुत ही रिलैक्स कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी एक विंटेज प्रॉपर्टी है जो कि बहुत वेल मेंटेन्ड है। इस प्रॉपर्टी से इन बर्फीली पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है, जहां पे आप घंटों बैठ के बस इन वादियों का ही मजा ले सकते हैं। डलहौजी से सबसे पास में पठानकोट का रेलवे स्टेशन है। आप चाहे तो पठानकोट रेलवे स्टेशन से बस लेके 3 से 4 घंटे में डलहौजी पहुंच सकते हैं। इस लोकेशन से आप इनके फर्स्ट फ्लोर पे इनके रूम्स और इनका जो रेस्टोरेंट है उसकी तरफ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको इनका एक रूम टूर कराते हैं। ये एक रूम की एंट्रेंस है जहाँ पे आपको 2 बड़े काउच, एक क्वीन साइज बेड,
और सारी की सारी बेसिक अमेनिटीज अवेलेबल हैं। बहुत ही वेल डिजाइंड मॉडर्न बाथरूम, with all the basic amenities. ये इनकी एक मिनी बुक लाइब्रेरी है। आइए इनका रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए कितना ही ह्यूज रेस्टोरेंट है। वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल डिजाइन्ड। जब आप यहाँ पे रूम बुक करते हैं तो मोस्टली आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर बुफे इंक्लूड होता है, और यहाँ की प्राइस रेंज 3,000 से 5,000 के बीच में रहती है सीजन के हिसाब से। इस बुफे में आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वेज, नॉन वेज, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज। अगर आप चाहें तो आप अपनी मनपसंद का भी कुछ बनवा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे इनका एक अपना पर्सनल बार भी है। चलिए अब चलते हैं खजियार, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। डलहौजी से खजियार के रास्ते में एक पार्क आता है जो कि है एक बीजीज पार्क। ये एक पार्क है ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स। डलहौजी से खजियार का रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको रोड के बीच में स्नो मार्च अप्रैल के महीने तक आसानी से देखने को मिल जाएगी। आइए दोस्तों आज घूमते हैं हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। खजियार डलहौजी से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है। आप पठानकोट से बस लेके 3 से 4 घंटे में डलहौजी बस स्टेशन पहुंच सकते हैं। वहां से प्राइवेट कार लेके या कैब लेके आप खजियार आसानी से पहुंच सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का ये खूबसूरत हिल स्टेशन खजियार, इसको घूमने का सबसे सही समय मार्च से लेके नवंबर तक रहता है, क्योंकि विंटर्स में ये ऐसा दिखता है। विंटर्स में डलहौजी से खजियार या चंबा रोड से आते हुए खजियार, दोनों ही रास्ते मोस्ट ऑफ टाइम बंद हो जाते हैं। अपनी गाड़ी से आना अवॉइड कीजिएगा और लोकल टैक्सी के थ्रू ही आइएगा। खजियार में आप काफी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग एंड जॉर्बिंग। ये सारी एक्टिविटीज समर्स में ही होती है, विंटर्स में ये एक्टिविटीज बंद रहती है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन को अपनी फैमिली के साथ घूमने जरूर आइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।